हमारे घर में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, तो तुम क्यों कर रहे हो ऐसा सवा? दादा सबके सबका अपना अपना तरीका होता जीने का, और जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ नहीं हुआ है। क्या आपने कभी किसी से शादी की फिर उससे अलग हो गए, फिर किसी दूसरे से शादी की आपने? नहीं, आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और आप लोग भूल रहे हैं कि मेरी जो अर्शी से शादी हुई है वो पूरी भी नहीं हुई है। आप लोग उसे मानते हैं लेकिन मैं नहीं मानता। अब जब शादी नहीं हुई तो डिवोर्स का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन ठीक है, जब अर्शी वापस आ जाएगी मैं सारे फॉर्मेलिटीज डिवोर्स से पूरी करूँगा। चोट तुम्हें घेरी लगी है, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग तो खराब होगा ही नहीं। अच्छा, इतनी अच्छी बहू है, इतनी बुरी है। अच्छा अनी, ये देख। अच्छा अनी, इतनी अच्छी बहू है, इतनी गुणी लड़की है, और तुम उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब दिक्कत तुम में है। हाँ मम्मी, बिल्कुल सही कहा आपने, दिक्कत मुझ में ही है, मैं ही प्रॉब्लम। देखिए, मैं अर्शी को ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ और वो भी मेरे साथ खुश नहीं है। वो मजबूरी में यहाँ पे रह रही है, हक और लड़ाई के बीच फंस गई है, इसलिए मुझे छोड़ नहीं पा रही है। मैं दादू यहाँ से बोलते, देखो नहीं बेटा, जो भी फैसला लेना है सोच समझ कर लेना, हमारे परिवार में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। और जरूरी नहीं है कि जो तुम सोच रहे हो वही सही हो, कि अर्शी के बिना तुम ज्यादा खुश रह पाओ। वैसे यानी तुम अर्शी को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ना चाहते? मैं पहली बार बोल रहा हूं। लाल बोलते हैं क्योंकि दुनिया वाले करते हैं, तो क्या आनी तुमको भी करना है? गलत करते जाओगे तो करते रहोगे क्या? तो वहां से बीनू बोलती है, अरे इसमें गलत क्या है? दो लोगों ने एक साथ रहने की कोशिश की लेकिन नहीं रह पाया, अब वो अलग हो रहे, ऐसा होना नेचुरल है। और बाद में अनिरुद्ध किसे शादी करता है किसे नहीं, ये बात हम अभी क्यों सोच रहे हैं? देखिए, मेरी जिंदगी में भी शादी की बात तय हो जाने के बाद मैं बात कर रही हूँ आपके बेटे की, क्योंकि आपके आपने सबने कोशिश की, अनिरुद्ध ने कोशिश की, लेकिन ये सब बेकार की बातें हैं ना। अभी यानी जब कश्मीर में था, शादी हुई तो उसे रिश्ता मजबूरी में जोड़ना पड़ा था क्योंकि हालात वैसे थे, और फिर उस रिश्ते को तोड़ दिया गया ना। लेकिन अगर वो दो लोग अपनी जिंदगी उस हिस्से को अपने दिल में जिंदा रखना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? ऐसा करना आसान भी तो नहीं है ना। और अगर वो याद दिल में इस कदर जिंदा है कि अनिरुद्ध किसी और के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो